बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अचारी चने की दाल। ठीक है, उसके लिए मैंने चने की दाल उबली हुई ली है, प्याज का पेस्ट लिया है, घी लिया है, टमाटर का पेस्ट लिया है, लेमन जूस है। अच्छा, इसमें अचारी मसाले में हमारे पास सौंफ है, राई, सफ़ेद ज़ीरा, मेथी दाना, आमचूर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और कलौंजी। कितनी कितनी क्वान्टिटी है, मैंने ये एक कप भर के जो है वो बॉयल उबली हुई दाल है, एक मीडियम साइज़ की प्याज को पेस्ट कर लिया है, दो टेबलस्पून में पर घी है, एक टमाटर को पेस्ट कर लिया है, एक लेमन जूस है। ठीक है, आधी टीस्पून में पर आमचूर पाउडर, आधी टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। अच्छा, आधी टीस्पून सॉरी कुटी हुई लाल मिर्च में पर एक टीस्पून है, आधी टीस्पून में पर कलौंजी, आधी टीस्पून सौंफ, आधी टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधी टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून जो है मेथी दाना है। ठीक है, इसको कोई भूनना वगैरह नहीं है, इन सबको जो है वो मोटा मोटा कूट लूँगी मैं। और नमक लेंगे एक टीस्पून और एक लेमन जूस। देखिए, हमने मोटा मोटा जो है वो अपना अचारी मसाला कूट लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले घी डालेंगे, ठीक है, घी हल्का सा गर्म हो रहा है, पैन हमने पहले से चूल्हा जलाया हुआ था, इसमें प्याज शामिल करेंगे, प्याज डालेंगे, तोड़ते हैं, अगर लहसुन डालें या प्याज डालें, हमारी तली हुई प्याज है, हल्के से सौते करेंगे, ज्यादा ही हो रही। ठीक है, अब हम एक दो मिनट हमने प्याज को सौते किया, अब हमने टमाटर डाल दिए, एक टमाटर था उसको ब्लेंड कर लिया था, एक मीडियम प्याज थी उसको भी ब्लेंड कर लिया था, प्याज पिसी हुई डाली, पहले हमने घी डाला उसके बाद टमाटर पिसे हुए डाले, अब हम अपना यही कुटा हुआ अचारी मसाला और नमक शामिल करें। इसको मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा एक टेबल स्पून के बराबर पानी डालेंगे। एक दो मिनट बस मसाला कुक हो जाए। ठीक है, तेल घी देखिए हमारा ऊपर आ गया, हमारा मसाला 3 से 4 मिनट में बस भून गया है। अब हम इसमें अपनी बॉयल दाल शामिल करेंगे। दाल के साथ थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के बराबर इसका वही बॉयल जैसे दाल की थी ना तो उसका पानी था। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स किया। ठीक है, अब जो है वो इसमें लेमन जूस भी डाल देंगे और दाल को हमने उबली हुई दाल शामिल करी, उसका जो ज़रा सा पानी था इसके साथ 2 टेबलस्पून के बराबर वो भी शामिल कर दिया हमने, एक पूरा लेमन जूस जो है वो इसमें शामिल कर दिया। अब इसको ढक के दम देंगे, 10 मिनट हो गए। ठीक बस, अब हम इसमें हरी मिर्च, एक हरी मिर्च और हरा धनिया 1 टेबल स्पून के बराबर डाला है, मिक्स करेंगे। हमारी मज़ेदार सी अचारी चना दाल जो है वो रेडी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।